सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, ब्रिजिंग द गैप इसका टाइटल है। ये आर्टिकल डील विद करता है रिजर्वेशन के आरक्षण के इशू से। बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है ना। इस आर्टिकल को आप मेरे साथ उसी अंदाज में पढ़ोगे जिसमें टॉपर्स पढ़ा करते हैं। आप इसको ट्रांसलेट करने के साथ साथ हर सेंटेंस की ग्रामर और वोकैबुलरी को अलग से लेके समझोगे। आप इस क्विज पे सारी ग्रामर और वोकैबुलरी को देखेंगे। आप अगर इसको एक कोशिश करेंगे वीडियो के शुरू में, तो आपको मालूम चलेगा आपने वीडियो के लास्ट में क्या क्या सीखा। सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में लाइव करवाऊंगा इस क्लोज टेस्ट का। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है ब्रिजिंग द गैप, ब्रिज करना है गैप को। ये एक फ्रेज होता है। देखो, गैप का मतलब होता है खाई, है ना, और ब्रिज करने का मतलब होता है खाई के ऊपर पुल बनाना। हिंदी में बोलेंगे खाई को पाटना। अगर किसी चीज़ में कोई डिफरेंस रह गया है, कहीं पे कोई कमी गुंजाइश है, तो उस गुंजाइश को पूरा करने को कहते हैं ब्रिजिंग द गैप। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ओन डेफिसिट इन OBC SC पोजिशंस वैकेंट एट IIMs। कह रहा बात हो रही है डेफिसिट की, उस कमी की जो है SC और OBC की पोजीशंस में जो वैकेंट है IIMs में। तो IIMs में SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलने के बावजूद वहाँ पे टीचर्स की वैकेंसियाँ आज भी खाली पड़ी हैं, मोर देन 70-80%। कह रहे इसी गैप को हमें फिल करना है। अब देखो इस सेंटेंस पर देखने वाली चीज़, डेफिसिट इसका मतलब हो गया कमी। इसके बहुत अच्छे से सिनोनिम्स हैं, लैकुना, डेफिशिएंसी और शॉर्टफॉल। ये आप आगे देखेंगे, तीनों वर्ड्स आएंगे, है ना। अब इस ब्रिज द गैप नाम के फ्रेज के ऊपर आओ। ब्रिज के ऊपर तीन फ्रेज बनते हैं, या तीन ईडियम्स बनती हैं ऐसा बोल दें। तीनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं, ध्यान से समझें। पहली मीनिंग थी ब्रिज द गैप, ये आपने देख ली है। इसी की जगह आप ब्रिज द गल्फ भी बोल सकते हो और ब्रिज द डिवाइड भी बोल सकते हो। गैप, गल्फ और डिवाइड तीनों ही खाई को इंडिकेट करते हैं, है ना। तो ये ईडियम आप तीनों तरीके से ही देख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंसेस को दूर करना, कमियों को दूर करना, खाई को पाटना। दूसरा है वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट या फॉरगॉटन कर देना जो पास्ट में चली गई है। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है हिंदी में जो हो गया सो हो गया। पानी निकल गया पुल के नीचे से, उसको भूल जाओ, जो निकल गया वो निकल गया, समझ गए ना, अनइम्पॉर्टेंट या फॉरगॉटन पास्ट। तीसरा है बर्न योर ब्रिजेस। इसका मतलब क्या है? आप ब्रिज से एक जगह से दूसरी जगह पे गए और वहाँ जाकर के आपने ब्रिज को बर्न कर दिया, जला दिया। आपने वापस पहले वाली जगह पे जाने का रास्ता ही बंद कर दिया, समझ गए ना। तो बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है रियल लाइफ में कुछ ऐसा काम कर बैठना कि आप फिर से पुरानी अवस्था में आ ही ना पाओ। टू डू समथिंग दैट इज इरिवर्सिबल, है ना, कुछ ऐसा कर दिया जो कि अब पीछे जाने लायक आप जिंदगी में बचे ही नहीं। अब देखो इसी तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल बैंकिंग में, जहाँ पे आपको एक सेंटेंस देकर के पूछा जाता है कौन सी अप्रोप्रिएट ईडियम होगी, है ना। मैं सभी को एक मौका दूंगा, आप एक बार कोशिश करें इस सेंटेंस में, कोशिश करें कौन सी ईडियम को आप चूज करेंगे आउट ऑफ दिस थ्री। चलिए कोशिश जरूर करना है ना। चाइना हैज, अब यहाँ पे इन तीनों में से एक चीज, एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन बाय कंसीलिंग द COVID-19 वायरस फॉर मंथ्स बिफोर इट स्नोबॉल्ड इनटू अ डेडली पैंडमिक। चाइना ने कुछ कर दिया है, इन तीनों में से एक काम कर दिया है, और कैसे, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तौर पे। और कैसे किया इस काम को? कंसील करके, छुपा करके COVID-19 के वायरस को कई महीनों के लिए, और कब? इससे पहले कि ये स्नोबॉल कर गया, इससे पहले कि ये फट गया एक डेडली पैंडमिक में, एक बहुत बड़ी महामारी में। तो चाइना ने अपने ब्रिजेस को बर्न कर दिया है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के हिसाब से। इस घटना के बाद चाइना ने अपना रिस्पॉन्सिबल नेशन फिर से बनने का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। दुनिया कभी भी चाइना पे विश्वास नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपको ए वाली ईडियम को चूज करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ। बहुत कुछ है आज के आर्टिकल में देखने वाला, है ना। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर, एक अच्छे बच्चे की तरह। अब आ जाओ, करेक्ट, गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर प्रेपरेटरी प्लान्स टू हेल्प फिल फैकल्टी पोस्ट इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। कह रहे गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करना चाहिए। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या है? पैसा लगाना और प्रमोट करना किसी चीज़ को। कह रहे सरकार को पैसा लगाना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए इस टाइप के प्लान्स को। अब ये क्या होते हैं मैं आपको समझा दूंगा। ये करना क्यों है, इन प्लान्स को स्पॉन्सर करना क्यों है? ताकि हेल्प फिल कर सकें, ताकि मदद कर सकें फिल करने में
फैकल्टी की पोस्ट को, टीचर की वैकेंसीज को सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, भारत सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो कह रहा अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में खाली पड़ी वैकेंसी को आपको फिल करना है तो प्रेपरेटरी प्लान्स नाम के प्लान्स को आप स्पॉन्सर कर दो, पैसा लगा दो, अपने आप वो भर जाएंगी। सेंटेंस समझ गए? अब देखो ये प्रेपरेटरी प्लान्स क्या होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोटा या आरक्षण मिला होता है, उनके पास डिग्री भी होती है, सही क्वालिफिकेशन भी होती है, लेकिन उनके पास सही स्किल्स नहीं होती जॉब को पाने के लिए। मान लो मैं एक एससी ओबीसी या एसटी कैटेगरी का पर्सन हूँ मान लीजिए, और मेरे पास डिग्री भी है, लेकिन आईआईएम में मुझे नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि आईआईएम वालों को लगता है कि मेरे पास सही स्किल सेट नहीं है, है ना। तो सरकार को क्या करना चाहिए, मेरे जैसे लोगों को बुला करके एक प्लान करना चाहिए, प्रिपरेटरी प्लान, मेरी सही प्रिपरेशन करवाएं, जो मेरे को सिखाया गया, मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से मुझे और अच्छे से सिखाएं, 2-4-6 महीने में क्रैश कोर्स सा करवा दें, फिर मैं जब भी जाऊं आईएएम में तो मुझे पता हो मुझसे वो क्या पूछेंगे और मेरे अपने रिजर्वेशन और अपनी डिग्री का फ़ायदा उठा करके वहाँ पे वैकेंसी को फिल कर दूंगा। तो बस यही कहना चाह रहा है कि सरकार को फटाफट इस काम को कर देना चाहिए, समझ गए ना। गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, शुड स्पॉन्सर आपकी वर्ब है, हेल्प आप जानते हैं, दोनों ही चीज़ें अपने बाद में लेगी, बेयर इन्फिनिटिव भी लेगी और टू इन्फिनिटिव भी लेगी, है ना। प्लीज़ हेल्प हर विद दिस फॉर्म, कृपा करके उसकी मदद करें इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म को भरवाने के लिए, है ना। हेल्प के बाद में फिल लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ हेल्प हर टू फिल दिस फॉर्म, अब देखो फिल की जगह पे टू फिल लिख दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है, हेल्प अपने बाद में दोनों लिखते हैं। प्लीज़ हेल्प हर फिल्स दिस फॉर्म, अब देखो हर के हिसाब से आपको लगे कि फिल की जगह फिल्स लगा दूँ, हर सिंगुलर है तो आप यहाँ भी सिंगुलर लगा दो, यहाँ पे गलत हो जाएगा। हेल्प अपने बाद में बेयर लेगा इन्फिनेटिव, कभी भी एस या ई एस वाली वर्ब नहीं लेगा, ठीक है ना। तो तीसरे वाले को मुझे सही करना पड़ेगा। चलिए एक समरी में आपको दे देता हूँ, आपको पता चले किस बारे में लिखा हुआ है। अभी अभी एक आंकड़ा हमारे सामने आया कि ओबीसी एससी और एसटी की टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो आईएम्स में और आईआईटीज में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे खाली पड़ी हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या आया, आईआईटीज ने और आईएम्स ने बोला कि ओबीसी एससी और एसटी के जो बच्चे आते हैं टीचर बनने के लिए उनके पास सही स्किल सेट नहीं होता, डिग्री तो होती है लेकिन वो टीचर बनने के लिए काबिल नहीं होते हैं हमारे हिसाब से। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहे दो बातें बोल रहा है। पहली चीज़ तो आपको प्रेपरेटरी प्लान शुरू कर देने चाहिए लड़कों को काबिल बनाने के लिए, लड़कियों को जो कैटेगरी के भी हैं, डिग्री भी रखते हैं लेकिन सही स्किल सेट नहीं रखते हैं, तो आप 6 महीने की उनको तैयारी करवाओ, उनको ठीक से समझाओ। दूसरा काम कह रहा है, ये काम ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा प्रिपरेटरी प्लान्स, लॉन्ग टर्म में आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर थोड़ा रिफॉर्म लाना है, अच्छे से इन्वेस्ट करना है ताकि ये गंदे सरकारी स्कूल्स जो हैं जो पढ़ाई भी नहीं करवाते ठीक से, कह रहा है इन स्कूल्स में कुछ सुधार हो और आगे जाकर के बच्चों को सही स्किल सेट मिले, ऐसे प्लान्स भी हमें ना करवाने पड़े। बस दो चीज़ों को सजेस्ट कर रहा है, समझ गए ना। सरकारी स्कूलों को बढ़िया बनाओ और जो लड़के पढ़ गए हैं सरकारी स्कूलों से उनको प्रिपरेटरी प्लान्स दो ताकि सही नौकरी वो ले पाए। समरी को आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की, आपकी समरी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। शुरू करने वाले हैं आर्टिकल को। मेरे पास एक सवाल अक्सर आता है, आप इस आर्टिकल में भी देखोगे लाइव सेशन में साइड में लोग लिख रहे होंगे, सर हमें शुरू से बताओ कहाँ से शुरू करना है, शुरू से बताओ। तो अगर आप वास्तव में शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो आप जाएँ चैनल के होम पेज पर और कम्प्लीट इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट को आज से चलाना शुरू करें। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद इंग्लिश में कट ऑफ ना, क्लियर होना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी, अचानक से आपकी रातों रात इंग्लिश जो है ना बहुत बढ़िया और बेहतर बन जाएगी। आज से शुरू करना है इसको। इसके नीचे आपको पेड कंटेंट की दो प्लेलिस्ट मिलती हैं, 50-60 वीडियो हैं एसएससी और बैंक्स की, आगे भी आ रही हैं हर वीक, है ना। इसमें मैं आपको एग्ज़ाम में कैसे प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना है ये सिखाता हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। कोई भी मेंबर बन सकता है, इन वीडियोस को चला करके देख सकता है। मेंबर बनने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर प्रेस करना है और अपना कंट्रीब्यूशन देके मेंबर बनना है। छोटा सा कंट्रीब्यूशन रखा है मैंने, है ना, अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर से मेंबर बन के फ़ायदा उठाएं। शुरू करने वाला हूं। कह रहा है अ सीवियर डेफिसिट इन द नंबर ऑफ ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स रिक्रूटेड एज फैकल्टी इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ बीन रिवील्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल इन पार्लियामेंट ड्रॉइंग अटेंशन वंस अगेन टू द पैलेट स्टेट ऑफ रिजर्वेशन इन सम ऑफ इंडियाज एलीट इंस्टीट्यूशंस। करे एक बहुत ही खराब सा डेफिसिट, सीवियर मतलब वेरी बैड, करे बहुत खराब टाइप का डेफिसिट जो है ना, डेफिसिट मतलब कमी। अच्छा ये कमी किसके अंदर आई है, नंबर ऑफ एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स में आई है। और कौन से कैंडिडेट्स, जिनको रिक्रूट किया जाता है फैकल्टी के तौर पे, टीचर के तौर पे,
प्रोफेसर के तौर पे, और कहाँ पे, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, भारत सरकार के इंस्टीट्यूशंस में जो हैं हायर एजुकेशन के, जैसे कि IIT, जैसे कि IIM, करेक्ट। बहुत ही ऐसा जो डेफिसिट है ना, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नंबर्स में, करे उसको रिवील किया गया है, उसको सबके सामने बताया गया। रिवील करना मतलब सबको बताना। और किसने बताया? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, रमेश पोखरियाल जिनका नाम है, और बताया इसको पार्लियामेंट में, संसद में। अच्छा, कह रहे जब इन्होंने इस चीज़ को बताया ना, रिवील किया, तब इन्होंने ड्रॉ भी किया अटेंशन को, उसी वक्त इन्होंने ध्यान भी खींचा फिर एक बार, वंस अगेन। और किसकी तरफ? उस कमज़ोर स्टेट की तरफ, उस पैलिड अवस्था की तरफ। कमज़ोर और पैलिड का मतलब है बहुत ही कलरलेस, है ना, बेरंग। उस बेरंग अवस्था की तरफ ध्यान खींचा इन्होंने, जो है आरक्षण की, और किसमें? इंडिया के कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, एलीट इंस्टीट्यूशंस में। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस इतना ही है, डेफिसिट को रिवील किया गया, SC ST के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इस चीज़ को बताया गया एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। और जब बताया, इन्होंने ध्यान भी खींच दिया कि आरक्षण की कितनी बुरी हालत है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में। आरक्षण होने के बावजूद लड़के लड़कियां सही से नौकरी भी नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा स्किल्स ना होने की वजह से। समझ गए? अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देखेंगे, डेफिसिट की वर्ब होगी रिवील्ड, ड्रॉइंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम एक साथ हो रहे हैं, रिवील करने का और ड्रॉ करने का अटेंशन को। रिवील करने का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, इसके तीन सिनोनिम्स हैं, अनवेल, अनअर्थ और एक्सपोज, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। ये तीनों होते हैं ना, खुलासा करते हैं भंडाफोड़ करने वाला, जैसे कोई स्कैम है वो एक्सपोज हो गया, जैसे कोई स्कैंडल है, कोई टेप है ना, कोई CD है वो लीक हो गई, ये सब चीज़ होती हैं एक्सपोज होती हैं, है ना, अनवेल होती हैं, अनर्थ होती है। रिवील का मतलब होता है भाई कैप्टन साहब ने सभी प्लेयर्स के नाम रिवील किए जो कि IPL में खेलेंगे। समझ गए ना? कोई भंडाफोड़ नहीं होता इसमें, बस किसी चीज़ को सबके सामने अनाउंस किया जाता है। सिनोनिम तो हैं लेकिन अलग अलग तरीके से यूज होंगे ये तीनों, अलग, रिवील अलग। डेफिसिट आपको बता दिया मैंने, सीवियर मतलब बहुत ख़राब, पैलेट मतलब बेरंग, बहुत ही कमज़ोर, फीबल, कलरलेस, है ना, जिसका रंग ही चला जाए, पेल हो एकदम। चलिए आगे बढ़े। कह रहे सम ऑफ द स्ट्राइकिंग डेटा शो 62% अनफिल्ड वैकेंसीज फॉर SC इन IIMs एंड 90% फॉर OBC इन ISC, वाइल वेकेंट पोजिशंस आर ऑन एवरेज अबाउट 38% टू 52%, टेकिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज IISER IIT नॉन फैकल्टी IGNOU एंड संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंटू अकाउंट। करे कुछ स्ट्राइकिंग डेटा ऐसा हमें दिखाते हैं, स्ट्राइकिंग मतलब स्ट्राइक करने वाले, स्ट्राइकिंग मतलब हैरान कर देने वाले। करे कुछ हैरान करने वाली इन्फॉर्मेशन हमें ऐसा बताती है कि 62% वैकेंसियाँ जो है SC की IIMs में, और 90% वैकेंसी जो है OBC की IISER में। ये एक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, कह रहे ये जो है ना अनफिल्ड है, ये सारी की सारी अभी भी भरी नहीं हुई है ना, खाली है। और कह रहे जबकि खाली पोजिशन जो है वो हैं ऑन एवरेज 38 से 52% ही, अगर आप इन चीज़ों को अकाउंट में ले लो, इन सभी कॉलेज को कंसिडर कर लो, तो अगर पूरे भारत में देखा जाए एवरेज, तो 38 से 52% वैकेंसियाँ खाली होती हैं इन सब लोगों की, है ना, SC ST के टाइप के जो रिजर्वेशन वाले पाए हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी। लेकिन अगर आप IISER और IIM देखो तो वहाँ पर हालत बहुत ख़राब है, 60 और 90% पोजिशंस खाली हैं। समझ गए सेंटेंस को? ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब मैच कर रहे हैं, सम की पोजीशन, सब की वर्ब है शो, पोजीशंस की वर्ब है आर, टेकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है इस आर वर्ब के साथ। कैन द डेटा कन्फर्म दैट द ट्रेंड सीन अर्लियर इन द IIT सिस्टम एक्सटेंड्स टू मैनी मोर इंस्टीट्यूशंस, हाईलाइटिंग अ सीरियस मिसमैच बिटवीन द गवर्नमेंट्स एक्विटी बिल्डिंग गोल्स एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट आउटकम्स। करा जो डेटा है जो ऊपर हमने देखे हैं, ये कन्फर्म कर देते हैं इस बात को। अच्छा, कौन सी बात? कि जो ट्रेंड है जिसको देखा गया पहले भी, जो रुझान है पहले भी सी किया गया है, और कहाँ पे? IIT के सिस्टम में। कह रहे यही ट्रेंड एक्सटेंड टू होता है, आगे बढ़ जाता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, खाली IIT में ऐसा नहीं है, आजकल हर इंस्टीट्यूशन में ही ऐसा हो रहा है। कह रहा और एक्सटेंड होता कैसे है, बढ़ता कैसे है, हाईलाइट करते हुए एक बहुत ही सीरियस मिसमैच को, एक बहुत ही सीरियस ना मेल खाने वाली चीज़ को, और किस किस के बीच? सरकार के बराबरी वाले बिल्ड करने वाले गोल को, एक्विटी बिल्डिंग गोल को। इसका मतलब क्या है? सबको बराबरी से बिल्ड किया जाए, है ना, सबको सही शिक्षा मिले बराबर तरीके से, और एक्चुअल रिक्वायरमेंट के जो आउटकम है, वास्तव में जो रिक्वायरमेंट होती है उसका जो नतीजा निकलता है। समझे सेंटेंस को? तो कह रहे सिर्फ IIT में ऐसा नहीं होता, अब बाकी जगह भी ऐसा होने लगा है। सरकार चाहती तो बहुत कुछ है, सबको एक्विटी के साथ बिल्ड करूं, पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट का कुछ और ही आउटकम होता है, दोनों में एक बहुत ही फाइन मिसमैच है।
अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देख लो, डेटा एक प्लूरल नाउन है इसलिए इसने प्लूरल वर्ब ली है। हमारे पास इंग्लिश में बहुत ऐसे नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते वो प्लूरल हैं, जैसे डेटा, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है डेटम, पीछे लगा दोगे UM। अब देखो इसी फॉर्मूला से आप 4-5-6 ऐसे नाउन्स और भी बना सकते हो, ए लगाओगे तो प्लूरल बन जाएगा, पीछे UM लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। एक बार अपने दिमाग को थोड़ा सा कष्ट दें, फिर मैं यहाँ लिखूंगा ताकि आपको मैच करना है, आपको याद करना है। चलो सिंपल सिंपल ही लिख देता हूँ मैं। सबसे सिंपल है करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है कोर्स, और इसका प्लूरल होगा करिकुला, पीछे UM आया तो सिंगुलर, ये वाला सिंगुलर और ये वाला प्लूरल। वैसे ही अब मैं सिंगुलर वाले लिख रहा हूँ स्टेडियम, स्टेडियम स्टेडियम तो आप जानते ही हैं प्लूरल हो गया स्टेडिया, वैसे ही सिंगुलर लिख रहा हूँ पोडियम, पोडियम का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म, एक मंच जहाँ से आप भाषण देते हो, वैसे मैं लिख देता हूँ अडेंडम, और लास्ट में लिख देता हूँ मैं बहुत ही अच्छा बैक्टीरियम, बैक्टीरियम। ठीक है, अगर पीछे ए लगा दोगे तो बैक्टीरिया बन जाएगा, मतलब बहुत सारे हो गए, और बैक्टीरिया मतलब एक सिंगुलर हो गया। सभी नाउन्स ऐसे ही बिहेव करेंगे, याद रखा करो। चलिए आगे बढ़े। हाईलाइट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सबकी नज़रों में लाना, ब्रिंग समथिंग टू लाइट। अब इसके बाकी सिनोनिम्स हैं एम्फसाइज, अंडरलाइन या अंडरस्कोर। कह रहे हम इन द केस ऑफ द IITs एन ऑफिशियल कमेटी सजेस्टेड दैट द वे आउट वुड बी टू एग्जेम्प्ट दीज इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम रिजर्वेशन एज प्रोवाइडेड फॉर अंडर द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन एंड टीचर्स कैडरे एक्ट 2019 और टू डी रिजर्व लोअर फैकल्टी पोजिशंस आफ्टर ईयर इफ सूटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द बेनिफिशरी कम्युनिटीज आर नॉट फाउंड। अब देखो इन्होंने एक रास्ता निकाला था, IITs में सोचा था अगर अगर तुम्हारे पास रिजर्व कैटेगरी के बच्चे नहीं आ रहे हैं ठीक से पढ़े लिखे तो क्या आपको उसका इलाज क्या करना है। कह रहा है IIT के केस के अंदर, इन केस ऑफ IIT एक सरकारी कमेटी ने, अधिकारी कमेटी ने, ऑफिशियल कमेटी ने सजेस्ट किया कि वे आउट होगा। वे आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता। तो IIT में सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता वुड भी होगा कि आप एग्जेम्प्ट कर दें, आप जो है इनको रिलीफ दे दें इन इंस्टीट्यूशंस को, और किससे, रिजर्वेशन से, कोई रिजर्वेशन नहीं, ताकि वहाँ पे हर टाइप का लड़का और लड़की आकर के नौकरी को पा सके। ठीक है ना, तो कह रहा है पहला तरीका तो उन्होंने ये बताया, और ये वो रिजर्वेशन है जिसको प्रोवाइड फॉर किया गया है, जिसका इंतजाम किया गया है इस एक्ट के नीचे, ये पूरा नाम है इस एक्ट का, जिसके अंदर रिजर्वेशन जरूरी होना ही चाहिए सरकार के संस्थाओं में। अच्छा, दूसरा इसका क्या इलाज कर सकते हैं, और या फिर डी रिजर्व कर दो, रिजर्वेशन हटा ही दो, और कहाँ से, लोअर फैकल्टी पोजीशन से, ऐसी फैकल्टी की पोजीशन जो लोअर है, एकदम एंट्री लेवल के जो टीचर की पोस्ट है, और कब, एक साल के बाद। अच्छा, और कब, अगर सूटेबल कैंडिडेट, सही कैंडिडेट जो है बेनिफिशियरी कम्युनिटी में से, रिजर्वेशन वाली कम्युनिटी में से आर नॉट फाउंड, नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने सोचा था IIT में, रिजर्वेशन को या तो पूरे से निकाल दो, है ना, ताकि सारी वैकेंसियां भर जाएं, जनरल वाले बहुत बैठे हैं जो कि इस नौकरी को पा सकते हैं, या फिर आप उस वाली नौकरी में से रिजर्वेशन निकाल दो जहां पे एक साल से ज़्यादा कोई कैटेगरी वाला आकर के नौकरी को नहीं ले पाया, ताकि दूसरे पर्सन को भी मौका मिले नौकरी लेने का। सेंटेंस समझ गए होंगे, सब्जेक्ट है आपका कमेटी, वर्ब है सजेस्टेड, सब्जेक्ट वर्ब मैच कर लो पहले सारे, वे आउट की ये वाली है और सूटेबल कैंडिडेट्स की आर नॉट फाउंड। अब देखने वाली चीज़ें आओ, वे आउट बाहर निकलने का रास्ता, वे मतलब रास्ता, आउट मतलब बाहर। जब भी आप वे आउट की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते की, है ना, एस्केप रूट भी बोलते हैं इसको और एग्जिट भी बोलते हैं। एग्जेम्प्ट करना मतलब रिलीफ देना, किसी चीज़ को डिस्काउंट कर देना। प्रोवाइड फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसके तीन मीनिंग होते हैं, पहला किसी को पालना पोसना, दूसरा किसी चीज़ के होने की अरेंजमेंट करना, है ना, एडवांस अरेंजमेंट, और तीसरा होता है किसी चीज़ जो कि फ्यूचर में होने वाली है उसका इंतजाम कर लेना पहले से ही। आपको पता है फ्यूचर में आग लगने वाली है तो पहले ही कुआं खोद लिया, इसको कहते हैं प्रोवाइड फॉर करना। तीनों को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, एक ही फ्रेजल वर्ब है ना, द पुअर मैन हैज़ टू प्रोवाइड फॉर हिज 6 children, इस गरीब आदमी को पालना पोसना पड़ता है अपने 6 बच्चों को। फैमिली या बच्चों को पालने पोसने को बोलते हैं प्रोवाइड फॉर करना, उनको पैसे देना, खाना देना, है ना, प्रोवाइड फॉर करना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर करता है, अरेंजमेंट करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी की सभी के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडवांस अरेंजमेंट्स है कि सबको बराबरी का मौका मिले, ऐसा लिखा हुआ है। अब तीसरा वाला, ही वर्कड हार्ड टू प्रोवाइड फॉर हिज ओल्ड एज, अब यहाँ पे सेकेंड वाला मीनिंग लग रहा है, उसने बहुत हार्डवर्क किया ताकि वो प्रोवाइड फॉर कर पाए अपनी बूढ़ी जो है एज के लिए। उसको पता है मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी, तो जो समथिंग डैट इज़
गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर है, उसके लिए वो पहले से अरेंजमेंट कर रहा है, हार्डवर्क करके पैसे को जोड़ रहा है। इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है, तीन तीन मीनिंग रखती है, जरूर से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको हमेशा अपने पास रखें। बड़े आगे कह रहे, हाँ कह रहे, दिस कैन नॉट ऑब्वियसली बी अ सॉलिटरी कोर्स फॉर ऑफिशियल पॉलिसी व्हेन द रिजर्वेशन सिस्टम एनविसेस्ड एज एन इम्प्रूवमेंट ऑन वेस्टर्न आइडियाज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज वाइडली सीन एज द शॉर्टेस्ट पाथ टू इक्वालिटी एंड एक्विटी। कह रहा है ये जो चीज़ है ना ऊपर वाली कि रिजर्वेशन हटा दो, रिजर्वेशन हटा दो, कह रहा है ये ऑब्वियसली वास्तव में एक हेल्थफुल, एक सैल्यूटरी, एक हेल्दी कोर्स नहीं हो सकता, रास्ता नहीं हो सकता सरकारी पॉलिसी के लिए। अगर इस तरह से रिजर्वेशन हटने लगा तो बहुत लोगों को जिनको जरूरत है रिजर्वेशन की उनको मिल ही नहीं पाएगा। तो कह रहा है ये एक हेल्दी रास्ता नहीं है ऊपर वाला जो IIT के लिए सजेस्ट किया गया है। और कब, जब रिजर्वेशन सिस्टम जिसको एनविसेस किया गया है, जिसकी परिकल्पना हुई है, जिसको इमेजिन किया गया है एक सुधार के तौर पे, और किसमें ये सुधार बेस्ड है एक पश्चिमी आइडिया पे, वेस्टर्न आइडिया पे, जो है अफर्मेटिव एक्शन का। वेस्ट में, अमेरिका में रिजर्वेशन को अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है ना। कह रहे ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ना उसको वाइडली देखा जाता है और कैसे सबसे छोटे रास्ते की तरह, जो है बराबरी का, इक्वालिटी और एक्विटी का, समझ गए ना। तो कह रहे वास्तव में ऐसा आप कर नहीं पाएंगे रिजर्वेशन हटा के, क्योंकि हम वेस्ट से अफर्मेटिव एक्शन से इसको यहाँ पे ड्राइव करके लाए हैं इंडिया में, और इसको हम सबसे आसान रास्ता देखते हैं इक्वालिटी पाने का, सभी के लिए बराबरी मौकों का। सेंटेंस समझ गए होंगे। दिस की वर्ब है कैन नॉट बी, रिजर्वेशन सिस्टम की वर्ब है इज़ वाइडली सीन। सैल्यूटरी मतलब हेल्पफुल हो, हेल्दी हो, गुड हो, अच्छा हो, अप्रोप्रिएट हो, है ना, एक पॉजिटिव वर्ड है सैल्यूटरी। एनविसेज करना मतलब किसी चीज़ की परिकल्पना करना, इमेजिन करना, विजुलाइज करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अफर्मेटिव एक्शन को देखें आप जरूर से गूगल में, है ना। रिजर्वेशन जैसा सिस्टम होता है अमेरिका वाली साइड में, कालों को दिया जाता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे जातियाँ नहीं होती हैं, गोरे कालों में थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया जाता है। कह रहा व्हाट कुड हेल्प ब्रिज द गैप इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैकुने इन द एजुकेशन सिस्टम मार्क्ड बाय अ सी ऑफ डिप्राइव्ड पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हाइपर कमर्शलाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, एंड आइलैंड्स ऑफ एलीट इंस्टीट्यूशंस सच एज IIMs। अब ये बता रहा है सही प्रॉब्लम क्या है। कह रहा है जो चीज़ हेल्प कर सकती है ब्रिज करने को गैप में, जो चीज़ हेल्प कर सकती है खाई को पाटने में, इज़ वो है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग उस लैकुने की, उन कमियों की। लैकुने मतलब कमियाँ, और किस में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब देखो इसको, एजुकेशन सिस्टम की जो कमियाँ हैं इसको मार्क बाय आप कर सकते हैं, इनकी निशानी बना हुआ है एक समंदर, और किसका, डिप्राइव्ड पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस का। डिप्राइव्ड का मतलब है वंचित, ना अच्छे टीचर हैं, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, है ना, कुछ भी नहीं है ऐसे पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस में, इनका एक समंदर सा है भारत में। और बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा वो बहुत कमर्शलाइज जो है जगह होगी, आपसे लाखों करोड़ों रुपये वसूले जाएंगे। और एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा एरिया है एलीट इंस्टीट्यूशंस का। भारत जैसे बड़े विशाल देश में 10, 12, 15, 20 इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो एलीट हैं, जिससे आपको जाकर के अमेरिका में भी नौकरी मिल सकती है, जैसे कि IIMs। तो कह रहे इन लैकुने को हमें दूर करना है। ये गंदे गंदे स्कूल्स का तो समंदर है, और जो अच्छे स्कूल हैं उनमें बहुत पैसे लगते हैं, या फिर वो बहुत ही कम में थोड़े से हैं, जैसे एक आइलैंड होता है एक समंदर के अंदर। अब इस पर देखने वाले वर्ड्स, ये पूरा फ्रेज है, इसकी वर्ब है इज, आप जानते हैं वर्ड से शुरू होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेज होता है, एक पूरा क्लोज होता है, एक पूरा का पूरा क्लोज भी अपनी वर्ब ले सकता है इस नाम से। लैकुने एक नाउन होता है जिसको प्लूरल फॉर्म में लैकुने लिखा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में इसका मतलब होता है लैकुना। लैकुना मतलब कमी, और लैकुने मतलब कमियाँ, है ना। वैसे ही फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब सूत्र, और फॉर्मूले अगर पीछे ई लगा दूंगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, इसका मतलब होगा कई सारे फॉर्मूलाज, है ना, कई सारे फॉर्मूला। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित, जो नीडी हो, जो अंडर प्रिविलेज्ड हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है द फेलियर ऑफ द सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू रिक्रूट फैकल्टी टू ऑल द रिजर्व पोजीशंस इज यूजली एट्रीब्यूटेड टू एब्सेंस ऑफ इनफ क्वालिफाइड टीचर्स एज द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज कमिटी फॉर IIT स्टेट्स। कह रहे जो फेलियर है, जो नाकामयाबी है सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, और क्या करने में, रिक्रूट करने में टीचर्स को, फैकल्टी को, और कहाँ पे, सभी रिजर्व पोस्ट में, है ना, सभी ऐसी पोजीशंस में जिस पे आरक्षण मिला हुआ है। कह रहे ये जो नाकामयाबी है इन इंस्टीट्यूशंस की, उसको जनरली एट्रीब्यूट टू किया जाता है, उसका कारण बताया जाता है, और क्या, ना मौजूदगी, एब्सेंस सही तरीके से इनफ क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट्स की। कह रहे जैसा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो कमेटी है IIT की, उसने भी कहा।
तो सरकारी जो है स्टेटमेंट्स यही कहती हैं कि एससी एसटी और ओबीसी के इनफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं ही नहीं जिनको आईआईटी और आईएम्स में बिठा करके टीचर की नौकरी दी जाए। समझ गए सेंटेंस को। फेलियर की वर्ब है इज एट्रीब्यूटेड टू, यहाँ पे ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, एट्रीब्यूटेड टू मेन वर्ब होगी। एट्रीब्यूट टू और एस्क्राइब टू दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ का रीजन, किसी चीज़ का रीजन बताना है ना। एट्रीब्यूट प्लस में टू और एस्क्राइब प्लस में टू फिक्स प्रपोजिशन चलते हैं। आप जब भी किसी चीज़ का रीज़न बताओगे आप एट्रीब्यूट टू करोगे उसके रीजन को। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एज और लाइक का, मैंने बहुत बार आपको करवा दिया है, आप बार बार इसको देखोगे तो दिमाग में फिट होगा है ना। एज अपने बाद में एक पूरा क्लोज लेगा, लाइक अपने बाद में सिर्फ एक प्रपोजिशन जब बन के एक ऑब्जेक्ट को लेगा। जैसे इवन आफ्टर हर फेलियर शी सीम्स काम एंड कम्पोज लाइक या एज स्टिल वाटर, अपने फेलियर के बाद में भी वो बड़ी काम एंड कंपोज दिखाई देती है, एकदम शांत दिखाई देती है जैसे ठहरा हुआ पानी, स्टिल वाटर। अब देखो स्टिल वाटर अपनी कोई वर्ब तो लेके बैठा नहीं, तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा लाइक को। स्टिल वाटर की कोई वर्ब नहीं है, स्टिल वाटर एक क्लोज नहीं बना रहा, एक ऑब्जेक्ट है, तो लाइक नाम की प्रपोजिशन से सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एज को यूज़ करना हो उस केस में आपको स्टिल वाटर को एक वर्ब देनी होगी, और वर्ब क्या होगी, ऊपर जो वर्ब पड़ी है शी सीम्स, इसी टेंस में यहाँ भी दे दो, ठीक है ना। इज या सीम्स दोनों ही लिखा दो, दोनों में से एक भी चलेगी, सीम्स या इज दोनों ही चलेंगे, समझ गए ना। तो एज अपने बाद में पूरा क्लोज, लाइक अपने बाद में प्रपोजिशन। इस केस में वही हुआ है, एज द कमिटी फॉर आईआईटीज डिड है ना, इस डिड की वजह से एज आना पड़ा। कैर वन ऑफ द फॉरवर्ड लुकिंग रेमेडियल मेजर्स सजेस्टेड बाय द पैनल वॉज टू स्टार्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स विच वुड बोथ इक्विप एस्पायरिंग फैकल्टी एंड क्रिएट अ पूल ऑफ रिसर्च टैलेंट। अब देखो इन्होंने एक और सोल्यूशन दिया है ना, इस कमेटी ने क्या सोल्यूशन दिया, कह रहा है एक जो फॉरवर्ड लुकिंग आगे आगे की तरफ देखने वाले, फ्यूचर की तरफ जो है फोकस करने वाले, फॉरवर्ड लुकिंग जो रेमेडियल मेजर्स हैं, रेमेडियल मतलब किसी चीज़ का इलाज करने वाले, करेक्टिव है ना। तो कह रहा है सजेस्ट किए गए आगे की तरफ देखने वाले, फ्यूचर की तरफ फोकस करने वाले करेक्टिव मेजर्स में से वन जो था, और सजेस्ट किसने किए थे, इस पैनल के द्वारा, कह रहा वो वन था वॉस कि स्टार्ट कर दो आप गवर्नमेंट के पैसे से प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स को, जो दो काम करेंगे विच वुड बोथ। पहला काम होगा इक्विप करना एस्पायरिंग जो है फैकल्टी को, जो फैकल्टी बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, एस्पायर कर रहा है, उसको आप इक्विप कर देंगे, फैसिलिटेट कर देंगे, एम्पावर कर देंगे, और दूसरा आप क्रिएट कर देंगे एक पूल जो है रिसर्च टैलेंट का। आप ऐसा प्रोग्राम चलाओ 6 महीने में लड़का लड़की तैयार हो जाए, अपनी जॉब पाले प्रोफेसर की, और अगर वो जॉब ना भी पा पाए तो रिसर्च टैलेंट बन जाए, वो रिसर्च फैकल्टी बन के वहाँ पे काम कर सके, बच्चों को पढ़ा ना सके फिर भी रिसर्च विसर्च का काम तो कर ही सके, समझ गए ना। रेमेडियल मतलब करेक्टिव होता है, जो चीज़ों को क्योर करे है ना। एडजेक्टिव एक विच की दो वर्ब्स हैं वुड इक्विप और वुड क्रिएट, वन की वर्ब है वॉस, सिंगुलर होता है वन, इसलिए वर्ब भी हमने सिंगुलर रखी है। कर दिस हैज़ मेरिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड अदर डिसिप्लिन्स एंड इन द शॉर्ट टर्म कुड हेल्प क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स ओवरकम द डेफिशिएंसीज ऑफ देयर प्रिपरेटरी ईयर्स। कह रहे ऊपर वाली चीज़ में एडवांटेज है, मेरिट है, बेनिफिट है, और किसके लिए, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सिचुएशन में जो है मैनेजमेंट की, साइंस की और दूसरे कई सब्जेक्ट्स की, अगर आप इन डिसिप्लिन में ऐसा करते हो ना तो बहुत एडवांटेज मिलेगी ऊपर वाले फॉर्मूला की। और कह रहे शॉर्ट टर्म में जो है ना ये हेल्प भी कर सकता है क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को, डिग्री वाले इंडिविजुअल्स को, कि वो ओवरकम करें, वो जीत पाएँ उन कमियों से, डेफिशिएंसीज पे जो उनके प्रिपरेटरी ईयर्स में आई है, जो उनकी डिग्री के दौरान उनको फेस करने को मिली है, समझ गए ना। तो दोनों ही काम करेगा ये, इसमें बहुत एडवांटेज भी देखने को मिल रही है, और इन लड़कों ने जो कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, सिर्फ डिग्री ली, इस कमियों को भी पूरा कर देगा ऐसा गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट्स है ना, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ये सब डिसिप्लिन हैं। मेरिट का मतलब होता है एडवांटेज या बेनिफिट्स। चलिए सिंपल था, कह रहे सच कोर्सेज वुड आल्सो मेक दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग मोर सोशली रिस्पॉन्सिव मीटिंग द गोल ऑफ एड्रेसिंग हिस्टोरिकल डेप्रिवेशन ऑफ कम्युनिटीज बेस्ड ऑन कास्ट। कह रहे ऐसे जो कोर्स हैं, ये जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोर्स होंगे, ये साथ ही साथ बना देंगे इन इंस्टीट्यूशंस को हायर लर्निंग के, हायर एजुकेशन के और ज़्यादा सामाजिक रूप से रिस्पॉन्सिव है ना, सोशली और ज़्यादा सेंसिटिव बना देंगे इन इंस्टीट्यूशंस को है ना। और कैसे, मीट करते हुए इस गोल को, मीट करते हुए इस टारगेट को जो है संबोधित करने का, ऐतिहासिक तौर पे हिस्टोरिकली जो डेप्रिवेशन इनको मिला है, जो ये वंचित रही हैं कम्युनिटियाँ कास्ट के बेस पे, कास्ट के कारण, तो कह रहे इस वजह से इन कम्युनिटीज़ को आप
जो कास्ट बेस पे डिप्राइव रही हैं, थोड़ा सा एम्पावर करोगे और इंस्टीट्यूशंस में इनको बराबरी का रिजर्वेशन मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सब कोर्सेज की वर्ब है वुड ऑल्सो मेक करे, येट देर आर लार्जर क्वेश्चंस दैट नीड आंसर्स एंड विच कंटिन्यू टू बी एजिटेटेड इन कोर्ट्स। यहाँ से आपको मेन आर्टिकल की सोल मिलेगी, है ना, आगे के दो सेंटेंसेज में। करे फिर भी ये जो वहाँ पे अभी भी बड़े बड़े सवाल हैं, लार्जर क्वेश्चंस हैं, जिनको आंसर्स की ज़रूरत है। ये ऊपर वाला काम तो आप कर दोगे, ठीक है, प्रोग्राम चला दो। कह रहे फिर भी मोटे मोटे सवाल जो हैं उनके जवाब फिर भी करने वाले रह जाएंगे, और ये वो सवाल हैं जो जारी होते हैं, आज भी उकसाए जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, एजिटेट किए जाते हैं। एजिटेट करना मतलब अराउज करना, एक्साइट करना, किसी चीज़ को उत्तेजित करना। कह रहे ऐसे सवाल जिनको आज भी अदालतों में उठाया जाता है, उनके जवाब जो है बड़े बड़े सवालों के फिर भी बाकी रह जाएंगे। अब वो सवाल बताएगा क्या, वन ऑफ देम इज़ वेदर देयर शुड नॉट बी इवन ग्रेटर अटेंशन डिवोटेड टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड विद इन द रिजर्व कैटेगरीज सच एज SC, सिंस ट्रिकल डाउन कोटा बेनिफिट्स फॉर देम आर स्कैर्स। कह रहा है एक सवाल ये है इन सवालों में से, वन ऑफ देम इज़ हाँ के ना वेदर, हाँ के ना होना चाहिए, देयर शुड बी और शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, और क्या और भी ज़्यादा अटेंशन, और भी ज़्यादा फोकस, और क्या डिवोट किया जाना चाहिए, किनको, सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज को, सबसे ज़्यादा हाशिए पे लोगों को, सबसे ज़्यादा पीछे पिछड़े लोगों को, और किसके अंदर, रिजर्व कैटेगरीज में, जैसा कि है SC शेड्यूल कास्ट। तो एक सवाल ये है कि क्या हमारा फोकस ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है रिजर्व कैटेगरी में भी, देखो रिजर्वेशन सबको मिला हुआ है, बहुत लोगों को मिला हुआ है, उसमें भी जो SC वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन को डिवोट करें, है ना, सबसे ज़्यादा इनके पास मार्जिनलाइजेशन है, सबसे ज़्यादा ये हाशिए पे हैं। अच्छा हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि जो ट्रिकल डाउन कोटा बेनिफिट है, आगे से आगे जो कोटा बेनिफिट है इन लोगों के लिए होता है बहुत ही स्कैर्स, बहुत ही ना के बराबर। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है आपने ऊपर से 100 सीट का रिजर्वेशन दिया, आगे से वो टपकता हुआ जाएगा, जब तक वो SC या ST के कैंडिडेट तक पहुंचेगा उसमें 4 या 5 या 10 ही सीट्स रह जाएंगी, है ना, OBC वाले सारी नौकरियों को ले जाएंगे, समझ गए ना। तो कह रहे ये सवाल भी कोर्ट्स में अक्सर उठाया जाता है, SC के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों ना करें। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब मैच करेंगे, मार्जिनलाइज मतलब जो हाशिए पे होता है, पुअर और डिप्राइव्ड ऑफ मीन्स, ना तो पैसा है ना अकल है, दोनों ही काम नहीं है, है ना, एजुकेशन भी नहीं है और मनी भी नहीं है, मार्जिनलाइज्ड। स्कैर्स मतलब ना के बराबर, डेफिशिएंट, लैकिंग, स्कैंट। ट्रिकल डाउन मैंने आपको समझा दिया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कोई चीज़ आती है तो ट्रिकल डाउन होती है। कह रहा द इगलिटेरियन आंसर वुड बी टू कंटिन्यू एक्सपेंडिंग द पाई ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक रैम थ्रू एवर ग्रेटर फंडिंग ऑफ क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स एंड एडिंग द डिप्राइव थ्रू अफर्मेटिव एक्शन ऑन द रोड टू इक्वालिटी। कह रहा सही आंसर जो होगा ना इस सवाल का, इगलिटेरियन, इगलिटेरियन मतलब अनबायस्ड, ना मैं जनरल वालों की तरफ झुका हुआ हूँ, ना मैं SC वालों की तरफ झुका हुआ हूँ, मैं सिर्फ देश की तरफ झुका हुआ हूँ, है ना। कह रहा ऐसा डेमोक्रेटिक आंसर जो होगा ना वुड भी वो होगा कि हम जारी रखें एक्सपेंड करना, और किसको, उस हिस्से को, उस पाई को जो है अपॉर्चुनिटी का, और कहाँ पे, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक रियाम में, समझ गए ना। तो कह रहा सही तरीका यही होगा, आप पब्लिक डोमेन में सरकारी नौकरियों में अपॉर्चुनिटियों को एक्सपेंड करते जाएं, बढ़ाते जाएं। और कह रहे और कैसे, कह रहे पहले से भी ज़्यादा फंडिंग से जो होगी क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन में, हर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी पे, हायर एजुकेशन में अच्छा इन्वेस्टमेंट करो और अच्छी एजुकेशन लोगों को दो। और आपको साथ ही साथ एड करना है, हेल्प करना है द डिप्राइव्ड को, इन गरीब लोगों को या इन वंचित लोगों को, और किसके जरिए, रिजर्वेशन के जरिए, अफर्मेटिव एक्शन के जरिए, और किस पे, इस रोड टू इक्वालिटी पे, इस रोड पे जो कि हमें समानता की तरफ ले जाती है। तो दोनों ही काम आप करो, आप अच्छी एजुकेशन दो, आप अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी दो पब्लिक रियाम में सबको, और साथ ही साथ आप जो डिप्राइव्ड हैं उनको रिजर्वेशन दो ताकि वो आगे बढ़ पाएँ, इक्वालिटी के रास्ते पे आगे निकल पाएँ। समझ गए सेंटेंस को। आंसर की वर्ब है वुड बी, एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना, पाए मतलब शेयर, हिस्सा, इगलिटेरियन मैंने आपको समझा दिया जो अनबायस्ड हो, सबकी बराबरी की बात करे, रियल मतलब डोमेन, है ना, एरिया, डोमेन। द डिप्राइव्ड कॉमन प्लूरल नाउन है, द प्लस में एडजेक्टिव रखा हुआ है, सारे डिप्राइव्ड लोगों की कम्युनिटी की बात कर रहा है, सभी वंचित लोगों की, ठीक है। चलिए सिंपल आर्टिकल था आज का, थोड़ी सी वोकैब हैवी है, अब जो हैवी है लाइट है आप सारी की सारी अप्लाई करेंगे क्विज पे। आ जाओ, स्कोर जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, क्विज को सोल्यूशन लेने से पहले क्या स्कोर आया और मेरे सोल्यूशन के बाद में क्या स्कोर आया आपका, है ना। करा इफ़ वी पॉन्डर ओवर आवर फेलियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स इन आवर लाइव्स वी टेंड टू एस्क्राइब ईच ऑफ देम
ऑन टू बाय एट द फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सोचें, पॉन्डर ओवर करें हमारी नाकामयाबियों और हमारी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में, कमियों के बारे में अपनी ज़िंदगियों में, तो हमारी आदत यही होती है कि हम एस्क्राइब करते हैं, हम रीज़न बताते हैं हर एक का उन फैक्टर्स पे जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देते, है ना। इस तरह के फैक्टर्स के ऊपर हम अपने बहाने लगाते हैं सारे फेलियर्स के। अब देखो, एस्क्राइब और दूसरा वर्ड था एट्रीब्यूट, दोनों के बाद में अब टू प्रीपोजिशन को फिक्स मानते हैं। एस्क्राइब करेंगे हर एक को और टू द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स पे, है ना। तो एस्क्राइब प्लस में एट, बाय या ऑन नहीं, आप लगाएंगे टू को, फिक्स प्रीपोजिशन है। कह रहा बट अ स्टडी हैज वेल्ड एक्सपोज रिवील्ड या अनअर्थेड दैट मेजोरिटी ऑफ आवर फेलियर्स कैन बी ओवरकम। कह रहा लेकिन एक स्टडी ने ऐसा खुलासा किया है कि ज़्यादातर हमारे फेलियर्स जो हैं उन पर हम जीत पा सकते हैं, ज़्यादातर हमारी नाकामयाबियों को हम कामयाबी में बदल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये स्टडी क्या करेगी, भंडाफोड़ करेगी या किसी चीज़ को डिक्लेयर करेगी। ये चारों ही वर्ड्स जो हैं भंडाफोड़ करने की बात करते हैं। वेल का मतलब होता है छुपाना, इसका तो मतलब ही अलग है। एक्सपोज का मतलब होता है इसे कोई स्कैम को एक्सपोज करना, अनअर्थ भी यही होता है। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, है ना। तो स्टडी ने खुलासा किया है, ना कि किसी चीज़ को एक्सपोज किया है। मेरा आंसर होगा यहाँ पे सी। ये तीनों ही सिनोनिम एक दूसरे के, लेकिन डी और बी जो हैं ये किसी स्कैम वैम को भंडाफोड़ करने के लिए आते हैं, किसी सिंपल चीज़ के खुलासे के लिए रिवील नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ो, तो इसने स्टडी ने रिवील किया कि हमारे आउटकम में हमारे फेलियर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? इफ़ वी प्रोवाइड विद, प्रोवाइड फॉर या प्रोवाइड बाय द वर्स्ट इन एडवांस। अगर हम इंतजाम कर दें द वर्स्ट का, सबसे ख़राब सिचुएशन का पहले से ही, अगर आप पहले से सोच के चलो इस एग्ज़ाम में मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, पहले से आप उसका इंतजाम कर दो तो आप कभी भी ज़िंदगी में फेल हो गए नहीं, है ना। फेल होने पे भी आपके पास एक प्लान है। अब देखो यहाँ पे आपको यूज़ करना है इंतजाम करने के लिए सही फ्रेजल वर्ब को। सही फ्रेजल वर्ब इंतजाम करने की होती है प्रोवाइड फॉर, ठीक है। प्रोवाइड विद कुछ और होता है, प्रोवाइड बाय तो होता ही नहीं, प्रोवाइड आप जानते हैं। प्रोवाइड फॉर नाम के फ्रेजल वर्ब को यूज़ करना था। आगे बढ़ो, कह रहा अ केयरलेस एटीट्यूड टुवार्ड्स द फ्यूचर इक्वेट्स टू स्टेडियम वाटर अंडर ब्रिज, बर्निंग आवर ब्रिजेस या ब्रिजिंग द गैप। कह रहा है एक जो केयरलेस एटीट्यूड है ना, बिना जो केयर का एटीट्यूड है हमारे फ्यूचर के लिए, वो बराबर है इक्वेट टू होता है। और किसके इक्वेट टू होता है? इन तीनों में से एक चीज़ के। अब देखो आप सीधे सीधे मीनिंग से जाओगे तो आप समझ सकोगे यहाँ पे ब्रिजिंग द गैप की बात नहीं हो रही। केयरलेस एटीट्यूड है तो कुछ गलत काम ही करेगा, वो होगा बर्निंग योर ब्रिजेस, समझ गए ना। एक केयरलेस एटीट्यूड हमारे फ्यूचर के लिए वो बराबर है अपने ब्रिजेस को बर्न करने जैसा, है ना। हमने अपने ब्रिजेस को बर्न कर दिया है, जिस रास्ते से आए हैं वापस उस रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। कह रहे एंड इज़ अ टाइम टेस्टेड रेसिपी टू डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इन द डैश ऑफ आवर लाइफ। और कह रहे ये एक टाइम टेस्टेड रेसिपी भी है, ये एक ऐसी रेसिपी भी है जिसको हम बार बार टेस्ट कर चुके हैं। और किस चीज़ की? एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस की, निराशाजनक परफॉर्मेंस की हमारी ज़िंदगी के मैदान में। तो हम सबकी ज़िंदगियों की बात हो रही है, लाइव्स लिखा हुआ है तो मैदान भी सबके होंगे, मतलब सबके लिए एक प्लूरल नाउन आएगा, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया, समझ गए ना। स्टेडियम सिंगुलर है, इसको नहीं ले रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत लोगों का स्टेडियम है तो स्टेडिया हो जाएगा। स्टेडियाज नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं, और सर्कल ऑफ लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे आपको मैदान की ज़रूरत थी। आई होप समझ गए होंगे, थोड़ा मैंने अच्छा बनाया आज का क्विज़, है ना। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, एक लाइक और एक शेयर देना ज़रूर से। तब तक के लिए साइनिंग आउट।